हम लोगों ने खुद बनाए रखे हैं कस्टमाइज एज पर द कस्टमर चॉइस। को वेट इसमें ज़्यादा डले तो फटने का डर ना हो। बैग यार बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाई जाए। पेट से लेकर स्कूल बैग से लेकर प्लस अपने पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से लेकर प्लस किसको अपनी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है कंपनीज की, वी कैन अरेंज दैट फॉर। अब इसके अगर स्पेस की बात करेंगे तो कहेंगे हम हार्ड मटेरियल स्कूल का ब्रांड का नाम करवाना है, मुझे थोड़ा सस्ती रेंज का बैग चाहिए। जो फील आ रही है सर वो भी मतलब जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छी सी लग रही है। ये थॉमस कुक का हमारा बैग है, बताया था स्वीडन आर्मी के लिए। ये बैग्स मार्केट में आपको अवेलेबल ही नहीं होंगे। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अर्बन हिल को और दबाएं इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है अपना चैनल अर्बन पर। आज मैं तलवार इंडस्ट्रीज जो पड़ता है लॉरेंस रोड के अंदर। तो जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा सर एक टारगेट रहता है कि मेन कि हम जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास जाएं, उनकी क्वालिटी बिल्डअप्स देखें क्या क्वालिटी होती है। और जैसे कि हमने आपके बारे में सर्वे किया, देखा था कि आपका आर्मी में माल जाता है, तो मैं समझता सर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि क्वालिटी सर अप टू द मार्क होगी। आर्मी ग्रेड तो सर वैसे भी कहा जाता है, बिल्कुल अप टू द मार्क होता है। तो आप उसको कैसे डिफाइन करना चाहें, किस तरह की चीज़ें आप मतलब बिल्ड करते हैं? सर इसके अंदर हर एक चीज़ मैटर करती है। जैसे एक रह गया पहले तो हो गया बैग का साइज जी, सेकंड हो गया बैग का फैब्रिक, हाँ जी, थर्ड हो गया चेन, हाँ जी, फोर्थ हो गया इसके बक्कल्स। जैसे अगर मैं इन बैग्स की बात करता हूँ, अब इस बैग को नॉर्मली वी आर गिविंग दिस इन द मार्केट फॉर 550 रुपीज़, हाँ जी। अब इसके अंदर खूबियाँ ये हैं इसके अंदर कि ए तो पहली बात तो वाटर प्रूफ फैब्रिक है, हाँ जी। इसके अंदर जो चेन है वो Y2K लगी हुई है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्लस इसके ऊपर जो बैग का साइज है ये अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स है, जिसके अंदर हम लोग लैपटॉप इजीली 15.5 इंचेस तक का डाल सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए हम लोगों ने वो भी प्रोविजंस दे रखे हैं। अगर कोई चाहता है कि जैसे मेरे को अपने स्कूल का ब्रांड का नाम करवाना है, हाँ मुझे थोड़ा सस्ती रेंज का बैग चाहिए, जैसे हो गया 300 रुपये तक का, 350 रुपये तक का, हम कुछ नहीं करते इसके अंदर, थोड़ा साइज छोटा कर देते हैं जी। प्लस इसके अंदर हम लोग कुछ जिप्स कम्स कर देते हैं, इधर उनका लोगो आ जाता है कुछ, प्लस हम लोग इसके पार्टीशंस कम कर देते हैं, प्लस लैपटॉप पैडिंग हटा देते हैं, हाँ जी, जिससे कारण इसी बैग की कॉस्टिंग थोड़े छोटे साइज के अंदर जस्ट लाइक विद देयर लोगो वो अप्रॉक्स 350 के अप्रॉक्स आ जाती है जी। तो सर जो बेस रेंज जो होती है, जैसे आपके मान के चलिए कि जो स्टार्टिंग प्राइस कह सकते हैं, तो उसका क्या आपको सर? अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करेंगे तो 200 रुपीज़ से हम लोग बैग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर 2 जिपर्स होते हैं। मैं आपको एक बैग दिखा देता हूँ, जैसे ये बैग हमारे पास आ जाता है, ये हम लोगों ने बैग सर 200 रुपीज़ की रेंज का बना रखा है, सिर्फ 200 की रेंज में जी। ये अकॉर्डिंगली से हमने करा क्या है, इसके अंदर 2 जिपर्स दे दिए, एक जिप यहाँ होगी, एक जिप फ्रंट पे होगी जी। बैग की पूरा फैब्रिक से पूरा हमने किया डील, थोड़ा फैब्रिक थोड़ा लो रेंज का है इसके अंदर एज कम्पेयर विद दिस फैब्रिक। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि जैसे कि आपका ब्रांडिंग है आपका एक जिसे कह सकते हैं, और सर जैसे कि मैंने आपके बारे में सुना था कि आप आर्मीज में आपका बिल्कुल कैंपस में जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो सर मैं समझता हूँ कि क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी तो बहुत सर ड्यूरेबिलिटी के भी तो कोई हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं बेसिकली, बिकॉज वी आर नोन फॉर द क्वालिटी ओनली। हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि जाके उनको जो मार्केट में क्वालिटी नहीं मिल पाती वो हमारे पास डायरेक्ट मिलना चाहते हैं, बिकॉज वो ऐसा कोई मैन्युफैक्चर ढूंढते हैं ताकि उनको मैन्युफैक्चर टू द रिटेलर उनको डायरेक्ट माल सामान मिल सके, हाँ जी। और उसी के लिए हम लोग इनको करते हैं। अब जैसे कोई कस्टमर हमारे पास आया था उनका इतना बजट नहीं था, उनको 3000 पीसेस बैग चाहिए थे विद इन 200 की रेंज के अंदर, हमने उन लोगों को ये बैग्स उनको प्रोवाइड किए थे, और प्लस उन्होंने अपने कोई लेबर को एम्प्लॉयज़ को उन्होंने बांटने थे, दैट वॉज अ कंपनी इन फरीदाबाद। तो उन लोगों ने क्या कहा कि सर हमें सस्ते सस्ता दिखाया जाए जिसके अंदर हम अपने लेबर को भी दे सके, फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट भी दे सके, तो उसके लिए हमने बेसिकली बैग्स दिखाया था उनके लिए बनाया था, जिसके हम लोगों ने कॉस्टिंग अराउंड 200 रुपीज़ उनसे ली थी। कुछ कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, जैसे आ गए हमारे पास Skylark कंपनी, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी। अब इन कंपनी की थोड़ी रिक्वायरमेंट्स थी, इनको लैपटॉप पैडिंग चाहिए, कुछ जिपर ज़्यादा चाहिए ताकि फाइल्स वगैरह भी रख सकें, कुछ एम्प्लॉयज़ को ऐसी ड्यूरेबिलिटी दें जिसकी लाइफ अप टू 3 ईयर्स तक हो, तो ये बैग कहीं नहीं जाता सर। तो हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं, बट हाँ थोड़ा सा उसका साइज़ छोटा करें, कस्टमर्स को अच्छी चीज़ दें, कल को उनको ये ना लगे कि हम लोग मार्केट में वही मिल रहा है और हमारे पास ही वही मिल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसी के लिए वी आर नोन फॉर द क्वालिटी ओनली बेसिकली, बिल्कुल जी। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं हम गवर्नमेंट टेंडर्स की बात करते हैं, हाँ जी। ये हम लोगों ने बनाया था कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए, कर्नाटका जी। अब वो बैग जैसे मैंने आपको दिखाया, ये हमारा बैग था 550 का, हमने इसी बैग को इसी में हमने बनाया 450 के अंदर रेंज के अंदर जी। अब इस बैग के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया चेंज, इसके फ्रंट की पॉकेट हटा दी हम लोगों ने, डिज़ाइन थोड़ा छोटा कर दिया, साइज थोड़ा छोटा कर दिया, फैब्रिक बिल्कुल सेम ही है जी, एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब वाटरप्रूफ हो, वाटरप्रूफ हो गया, सब कुछ हो गया। जिप की क्वालिटी भी Y2K की है, जैसे हम लोगों ने बोला वी आर यूजिंग द ब्रांडेड जिप्स,
हम लोग सर कोई भी हम लोकल जिप्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जिसमें हमें कल को क्वालिटी कंप्लेंट बाद में आए। प्लस हम लोग क्या करते हैं, हर एक बैग के साइड पे आप लोग देखेंगे हम लोगों ने ट्रिपल स्टिच करी हुई है, दैट इज फॉर ज़िगज़ैग स्टिच। दिस इज बेसिकली क्या होता है, कल को कोई भी वजन उठाता है बेसिकली बैग यहाँ से उठाएगा या यहाँ से उठाएगा, तो हमने हर एक जगह उसको प्रोविजन दे रखे हैं। प्लस हम लोगों ने बैग के यहाँ पे भी दे रखी है डबल सिलाई, प्लस हम लोगों ने यहाँ पे भी इनको दे रखा है, जिसके कारण बैग की ड्यूरेबिलिटी डबल से ट्रिपल हो जाती है अगर फैब्रिक के अंदर अच्छी क्वालिटी लगी हो तो। प्लस उसके नीचे हम लोगों ने स्टॉपर्स रखे ना ताकि बैग से यहाँ से फटे ना। इसके नीचे फॉर्मिंग हो रखी है जिसके कारण बैग और ज़्यादा काफ़ी हैवी यूज़ आप कर सकते हैं, अप टू द 15-20 kgs आप इजिली वजन इस पर उठा सकते हैं। तो एज मतलब कस्टमर चॉइस, जैसे कस्टमर मांगता है वैसे हम उसके अकॉर्डिंगली उसको अलग अलग चीज़ें हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं हम लोग। सर जैसे कि ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं या जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ी बैग जनरली कहा जाता है, बिल्कुल सर, जो उस टाइप के कौन से सर, वो भी बैग्स हम लोग कुछ यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास आ गया ये ट्रैकिंग बैग्स, दीज आर कॉल्ड टू बी अ ट्रैकिंग बैग्स, ट्रैकिंग बैग्स जी। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, इसका साइज अच्छा कर दिया है, इसके अंदर जिप्स काफ़ी कर दिया, थोड़ा कलरफुल कर दिया ताकि हर एक कस्टमर इसको लाइक कर सके। अब आज के जैसे फ्लोरोसेंट जिप्स का समाना चल रहा है तो हम लोगों ने इसमें कर दिया है, बट हमने जिप की क्वालिटी वही मेंटेन रखी हुई है जैसे हम लोग आर्मी को ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं अंदर, क्योंकि आर्मी में दे नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर द क्वालिटी एंड वी आर ओनली नोन फॉर द क्वालिटी। सो इसके अंदर हम लोगों ने साइज कर दिया है, इसके अंदर अप टू 75 लीटर्स तक का मतलब कैपेसिटी इसके अंदर है, कैपेसिटी वाइज देखेंगे तो बहुत बिल्कुल। और फैब्रिक की जो फील आ रही है सर, वो भी मतलब जैसे कहते हैं कि बहुत अच्छी सी लग रही है, बिकॉज दिस इज अ लाइट वेट फैब्रिक, क्योंकि ये नायलॉन फैब्रिक्स होते हैं, वाटरप्रूफ फैब्रिक्स होते हैं। कल को वो जैसे माउंटेन एरियाज में जाते हैं उनको लगता है कि वहाँ पे बारिश आने का कुछ लगता है कि हमारा बैग वाटरप्रूफ है या नहीं है, तो उस सारे प्रोविजन हम लोगों ने इस बैग में दे रखे हैं एंड वी आर गिविंग दिस बैग फॉर 1100 rupees। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मतलब कि रेंज वाइज भी देखें तो सर अफोर्डेबल है ये मार्केट के अंदर, बिल्कुल सर। अगर कोई अच्छे ब्रांड्स की बात करोगे मार्केट में तो दिस बैग इज सेम बेसिकली फॉर 4000 rupees, हमने उसी को एज अ मैन्युफैक्चरर दैट्स आर रेट 1100 rupees पर पीस। अब और जैसे किसी को अपना कस्टमाइज यहाँ पे नेम कराना है, वो चाहता है मेरी अपनी ब्रांडिंग हो जाए, वी कैन डू दैट ऑल्सो। बिल्कुल सर, जैसे कि उसके कोई फर्म है वो चाहती है कि मैं अपने नाम से आपसे माल बनवाऊँ, बिल्कुल वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। बिल्कुल सर, सर जैसे मैंने आपको पहले बैग्स दिखाए थे जी, अब जैसे ये लर्निंग ट्यूशन सेंटर्स का है, हम इनके लिए क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि सर हमें अपने ब्रांड का नाम लिखवाया जाए, हमने ट्यूशन सेंटर्स में इनको बांटना है, हमने लर्निंग सेंटर्स में हमने देना है, इसको प्रोविजन करना है, तो हमने उन्हीं के ब्रांड का काम किया, हमने अपना लोगो वहाँ से हटा दिया, हमने उनका लैंग दिया, बट वी नीड एटलीस्ट 100 pieces ईच आइटम टू कस्टमाइज योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड विद योर नेम ब्रांड। हाँ जी जी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दिस इज बेसिकली अ फोर्स विच इज अवेलेबल इन द आपके रेलवेज वगैरह में, जो फोर्सेज होती है उनको भी हम लोग सप्लाई करते हैं फॉर देयर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एंड वी आर गिविंग दिस बैग फॉर 650 rupees। बिल्कुल, मतलब कि कहा जाए तो सर क्वालिटी होगी, कहते हैं ना कि क्वालिटी नेवर गोस चीप, ऑब्वियसली सर, बिल्कुल सर, क्योंकि क्वालिटी अगर मेंटेन की जाएगी तो जाहिर सी बात है लगा देगी तो उसकी कॉस्टिंग तो। जैसे सर ये टाटा इंडिकॉम के लिए हम लोगों ने बैग बनाया है, बिकॉज वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ फ्यू कंपनीज, बट वाई आर विद एनी एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी नेवर सप्लाई डायरेक्टली टू द कॉर्पोरेट्स। अब ये बैग्स भी है सर, अगर जैसे किसी को हैवी रेंज का बैग चाहिए कॉर्पोरेट बैग्स, दिस इज कॉल्ड टू बी अ कॉर्पोरेट बैग, इट्स अ एक्चुअल कॉर्पोरेट बैग जिसके अंदर उनको सारे प्रोविजंस मिल गए, जिपर्स मिल गई, फाइल्स डॉक्यूमेंट्स रखने मिल गया, प्लस इनको अंदर से लैपटॉप पैडिंग मिल गई, प्लस हैवीनेस उनको फैब्रिक मिल गया, प्लस इन लोगों ने यहाँ पर हर एक जगह हम लोगों ने बाटक कर रखी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ज़िगज़ैग सिलाई हर एक जगह हो रखी है सर, जिसके कारण बैग की ड्यूरेबिलिटी डबल ट्रिपल हो जाती है सर टाइम विद टाइम बीन। और हमारे ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम लोग पाउचेस बना रहे हैं जी सर, ये हो गए द गाइडिंग हैंड्स जी सर, ये हो गए बेसिकली मेडिकल्स, मेडिकेट्स बनाते हैं कुछ, हाँ मेडिकल किट्स हैं जिसके अंदर कुछ उन लोगों ने कुछ अपना सामान डालना है। सो बेसिकली उन्होंने हम लोगों ने पाउचेस बनवाए थे अराउंड सर 3000 pieces, जिनको हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज करके एज पर देयर चॉइस एंड कलर स्कीम हम लोगों ने बनाया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर मतलब ये चीज़ अच्छी है कि आपको कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, या कोई अगर फर्म अगर चाहती है जो मतलब पहले से अगर मान लीजिए काम करती है बिल्कुल, और वो आपसे अपने लेबल्स पे काम कराना चाहती है तो वो भी आप कस्टमाइज, ये सर बिल्कुल हम कस्टमाइज करते हैं, बट वी नीड एटलीस्ट 100 pieces टू कस्टमाइज, क्वालिटी मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है सर, बिल्कुल, तो क्वांटिटी करेगी मैटर, प्लस एटलीस्ट हम चाहते हैं जो पहले मार्केट घूम कर आए, हमारा एक ही फोकस रहता है, ताकि इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू जस्ट गाइड देम कि हम लोग क्या मार्केट से अलग हट के हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये जैसे हो गए पासपोर्ट पाउचेस जिसको कहते हैं कैश पाउचेस, कैश पाउचेस, हाँ हम लोग इनके लिए भी डील करते हैं, वी आर गिविंग दिस फॉर 280 rupees विद अ लॉन्ग स्ट्रिंग, लॉन्ग स्ट्रिंग, दिस इज बेसिकली फॉर जैसे किसी को ट्रैवल करना है उसको साइड पे कैश पाउचेस चाहिए, ये नॉर्मली हम आपको कोई ट्रैवल कंपनीज आती जैसे हो गई थॉमस कुक, कुछ हमने बैग्स थॉमस कुक के लिए बनाए थे, जैसे ये बैग हो गया हमारा थॉमस कुक का, ये थॉमस कुक का हमारा बैग है, ये नॉर्मली क्या होता है कि जब वो ट्रैवल करते हैं तो एक किट की हर एक कस्टमर को देते हैं, उसके अंदर ये भी होता है, कैश पाउच भी होता है, प्लस एक दो आइटम्स और होती हैं, सो वी आर गिविंग दिस टू द थॉमस कुक ऑल्सो।
बिल्कुल, मतलब कि सा कहा जा रहा जो मल्टी ब्रांड्स कंपनी से बिल्कुल सर, बिल्कुल आर्मी बैग्स आ गए। दिस इज बेसिकली अ पबजी बैग, आपने शायद नाम सुना होगा पबजी गेम। सो वी हैव मेड दिस बैग अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर चॉइस। एक कस्टमर मापा बॉम्बे का है जिसको पबजी बैग के नाम से इन्होंने लॉन्च किया था, सो वी हैव मेड दिस बैग फॉर देम। बिल्कुल सर, तो उसमें मतलब डिजाइनिंग भी कुछ अलग है, मतलब जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जंगल प्रिंट जनरली जो बिल्कुल सर। एक्चुअली नॉर्मल क्या पबजी गेम है, जैसे आपने देखो थोड़ा सा फाइटिंग से रिलेटेड गेम है या किससे है, तो उनका फोकस ही बेसिकली है यूएस बेस कलर के नाम पे। ये दिस है यूएस बेस आर्मी कलर। हाँ जी, हाँ जी जी। सो प्लस हम लोग कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कुछ हो गया हमारे पास आइटम आ गई हैं। दिस इज बेसिकली फॉर द स्वीडन आर्मी, या वी आर मेकिंग दिस फॉर स्वीडन आर्मी। हमारे पास अभी कुछ सैंपल्स आए थे, तो हमने उनकी बिहाफ पे उनके लिए कुछ सैंपल्स अरेंज करे हैं ताकि अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर चॉइस। प्लस इसके नीचे ये हमने लेदर आइट लगा रखा है, एंड देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लेदर आइट है जिसकी ड्यूरेबिलिटी अप टू मतलब आप 7-8 ईयर्स तक कहीं जाती ही नहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी। प्लस इस बैग का एक बेनिफिट ये है, कभी आप चाहें तो इसको एज अ डबल बैग भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस अगर आप चाहें तो इसको एज अ बैकपैक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हमने दोनों कंपेटिटिव हम लोगों ने अरेंज करी है उस चीज़ को। जैसे सभी तरह के बैग से एक होता है ऑफिस बैग, जैसे जनरली ऑफिस में के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट में आपके पास क्या कैटेगराइज होती है सर? अब जैसे ऑफिस बैग की बात करते हैं, ये कुछ हमारे पास रेंजेस हैं, हम लोगों ने खुद बनाए रखे हैं कस्टमाइज एज पर द कस्टमर चॉइस जी। अब इसके अंदर क्या है, 3 zippers हम लोगों ने दे रखे हैं इनको। हाँ जी। प्लस हम लोगों ने अंदर लैपटॉप इसके प्रोविजन दे रखे हैं, प्लस हम लोगों ने इसका साइज इसके अकॉर्डिंग बना रखा है ताकि इजिली किसको अपनी फाइल डालनी हो वो इजिली आ सके। अब इसी में लोग कहते हैं कि हम लोगों कुछ लेदर बैग्स में लेकर आए या लेदराइट बैग्स दिखाए जाए, ये लेदराइट बैग्स हैं सर। अब ये बैग्स के अंदर क्या फ़र्क क्या है, ये बैग्स के अंदर थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इनके अंदर जो जिप्स लगी हुई सारी वाइट टुकड़ी लगी हुई है इसके अंदर जिप्स, प्लस इसके अंदर बैग के अंदर लैपटॉप पैडिंग हम लोगों ने प्रोविजन दे रखा है इसका जी। प्लस हम लोगों ने पूरा इसके अंदर जो लेदर हेड लगा रखा है वो अच्छी क्वालिटी का रखा है ताकि उसकी कल को वेट इसमें ज़्यादा डले तो फटने का डर ना हो। तो अप टू इसके अंदर अगर आप 20 kg तक का वेट डालते हैं तो यू कैन इजली कैरी दैट। प्लस हम लोगों ने जो उसकी स्ट्रिंग्स है साइड लोगों में हम लोगों ने डॉक्टरी वार लगा रखी है जिसको हम लोग कहते हैं ईजिली टू कैरी। प्लस इसके ऊपर हम लोगों ने जो इसकी क्वालिटी लगा रखी है वार की वो भी ऑब्वियसली थोड़ी सी अच्छी कर दी, क्योंकि जैसे आप कहते हैं जितना गुड डालोगे उतना ही मीठा होता है, ये वही सारी चीज़ें बातें हैं। और प्लस ये कुछ हमारा इफ्को फेंटी के नाम से हम लोगों ने बनाया था इनके लिए बैग्स, ये भी कुछ बैग्स हैं, ये एक्सपेंडेबल बैग्स बनाया है ताकि वो इजिली एक्सपेंड हो जाए बैग, तो इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे ऑफिस बैग्स ही बनाते हैं, मतलब वी हैव अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर चॉइस, क्योंकि हमारे पास ये लोग रेडी स्टॉक हम लोग हमारे आर्मी में नहीं चलते। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोगों के आते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर चॉइस, जैसे कोई कॉर्पोरेट का जानते हैं इवेंट आते हैं दिवाली गिफ्ट देने हैं, या प्लस वो चाहते हैं कोई न्यू ईयर गिफ्ट देने हैं, या कोई न्यू हमारा ईयर कुछ आ रहा है अकाउंटिंग पीरियड्स उनके लिए फाइल बैग्स देने हैं, तो उनके लिए बेसिकली है। बिल्कुल, तो मतलब कलेक्शन इस तरह की भी आपके पास मिलते हैं? बिल्कुल सर, अटा डिस्काउंट का। तो हम लोग इनके लिए बैग्स बनाते हैं, इनके अराउंड आती रहती है 3,000-4,000 pieces बट वाया एनी एजेंट और एनी डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही हम लोग डायरेक्ट कंपनीज में जाके ऑर्डर्स के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करें, सो वी आर मेकिंग फॉर देम ऑल्सो। तो हमारे पास ये बेसिकली पीसेस एक एक दो पीस ऐसे रह जाते हैं क्योंकि कल को किसी में कुछ रिजेक्शन होती है कुछ होती है, सो वी जस्ट टेक इट आउट बिकॉज हमारे इधर क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। हमारे पास अगर 100 pieces बनेंगे सो इट शुड बी करेक्ट 100 pieces होने चाहिए, सो जो भी हमारी कोई कुछ रिजेक्शन होती है वी जस्ट टेक इट आउट, हम उसको बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल, मतलब अब ये कुछ बैग्स हो गए जैसे आपको मैंने बताया था स्वीडन आर्मी के लिए, ये बैग्स मार्केट में आपको अवेलेबल ही नहीं होंगे बिकॉज इन बैग्स का क्या है बैकपैक्स हैं जिनके कारण इनके अंदर काफ़ी हाई रेंज की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। जैसे प्लस इसकी निवार देख लीजिए, ये भी काफ़ी हैवी है, इसका बैकपैक देख लीजिए ये भी काफ़ी हैवी है, मतलब ये भी बिल्कुल सर आपने सही कहा बहुत हैवी क्वालिटी। बिल्कुल, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बिकॉज इन द स्वीडन दे आर इवन बेसिकली लुकिंग फॉर द क्वालिटी एंड उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए ताकि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें कोई, क्योंकि बिकॉज ये दे आर गिविंग दिस फॉर द नेक्स्ट 5 years ताकि 5 years तक बैग की वैलिडिटी होनी ज़रूरी है। सो वी आर गिविंग दिस बैग फॉर 1550 टू देम, बाकी आगे हमारा सप्लायर पता नहीं इसको क्या रेट पे दे रहा है, बट मार्केट वैल्यू इसके अराउंड 8,000-9,000 rupees है। तो मतलब समझ लीजिए, मतलब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर के होलसेलर्स के काफ़ी CNF के मार्जिन हटकर आप सीधा मैन्युफैक्चरर्स के पास आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज़ सर बहुत अच्छी लगी, मतलब क्वालिटी देखें तो बहुत अच्छा है। मतलब सर इसमें पेंस ये जो नहीं सर, बेसिकली ये है ड्राइव्स के लिए इनके पास। अच्छा। ये मतलब कई नॉर्मली आर्मीज में क्या होता है दे आर लुकिंग फॉर द ड्राइव्स और समथिंग जिसके अंदर वो लोग सिक्योरिटी पर्पस सामान रख सके। अब जैसे ये बैग है, ये बैग पूरा ओपन होता है, यहाँ पे इनके लैपटॉप प्रोविजंस नहीं होते क्योंकि इसके अंदर लैपटॉप्स नहीं रखते, इसके अंदर वो बेसिकली हार्ड ड्राइव्स रखते हैं अपने मतलब आर्म्स वगैरह रखते हैं, तो आर्म्स के लिए बेसिकली हम लोगों ने हर एक चीज़ के लिए उनको प्रोविजंस दे रखे हैं जी।
प्लस अगर उन्हें कोई ड्राइव्स रखनी है, हार्ड डिस्क रखनी है, वी हैव दैट प्रोविजन. तो हमने उसके अकॉर्डिंगली उनको पूरा बना रखा है बैक को, बिकॉज उनकी कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसी जिसको सिक्योरिटी पर्पज भी अगर वो बैक कोई खोलना चाहे तो इट इज़ नॉट ईजियर फॉर एनी वन टू जस्ट ओपन द बैक. सो हम लोगों ने हर एक प्रोविजन से अकॉर्डिंगली उस बैग को हम लोगों ने बनाया पूरा, ताकि कल को एंटी थेफ्ट बैग भी इसको खाया जाता है, और प्लस ये वाटरप्रूफ बैग भी है. अब जब बात करते हैं एंटी थेफ्ट की, सो दिस इज बेसिकली एंटी थेफ्ट बैग. आप लोगों ने सुना होगा एंटी थेफ्ट बैग्स वगैरह, दिस इज बेसिकली एंटी थेफ्ट. फ्लिपकार्ट पे जनरली बिल्कुल आप देखना चाह रहे हो वो बैग्स नॉर्मली आप देखेंगे 3,000-4,000 रुपीज के होते हैं. वी हैव लॉन्च दिस बैग फॉर 1,200 रुपीज. ओनली 1,200 जी. बेस्ट में बेनिफिट क्या है, दिस इज एंटी थेफ्ट जिप, प्लस इसके अंदर जैसे अगर कोई सामान हम आपको देखेंगे, लैपटॉप प्रोविजन हम लोगों ने दिया हुआ है इसके अंदर, प्लस आपका आईपैड प्रोविजन भी दे रहा है. कल को आपका आईपैड हो, लैपटॉप हो, ये इधर आ जाएगा. प्लस इसके अंदर आपने कोई पर्टिकुलर कोई सामान रखना है, शूज़ वगैरह रखने हैं, कुछ रखने हैं, यू कैन अरेंज दैट. इसके अंदर प्लस आपकी हिडन पॉकेट्स हैं, हिडन पॉकेट्स आती हैं जी. और ताकि और बैग ये पूरा वाटरप्रूफ है, कल को इसके ऊपर कोई पानी गिर जाता है या कुछ भी होता है तो इसमें कोई कंप्लेंट की कुछ प्रॉब्लम नहीं है. कल को ये नहीं कहेगा कि मेरे अंदर का कोई सामान था जो कुछ ऐसे एक्सपेंसिव सामान था जो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो खराब हो गया. जैसे सर मान लो रेनी सीजन में या बारिश हो रही है और सर आपने बैकपैक लगा रखा. बिल्कुल सर, मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. पानी बारिश में कई बार होता है, जनरली मौसम है, मौसम खराब हो जाता है, आदमी बाहर निकला है, पानी आ गया, तो उसमें कई बार लैपटॉप है या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है कुछ भी, तो सर उसके कैसे मतलब कि पानी जाना है. सर उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहली बात है जो फैब्रिक होना चाहिए वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग होना चाहिए जो उसके अंदर जिप्स हैं वो भी वाटरप्रूफ होनी जरूरी है. बिल्कुल सर. अब क्या है, मार्केट के अंदर वाटरप्रूफ जिप्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो हम लोगों ने क्या करा, 90% तक उसके फैब्रिक तक को हम लोगों ने वाटरप्रूफ कर दिए. जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा फैब्रिक है, अब मैं जैसे इसके ऊपर हल्का सा पानी गिरूंगा जी, ये अंदर सोख नहीं करेगा फैब्रिक. बिल्कुल ये अंदर जाएगा नहीं, ये आगे पीछे घूमता रहेगा पानी. हाँ जी, हाँ जी. प्लस मेरे कुछ और बैग्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया ये वाला बैग, ये बैग्स ऐसे हैं जिसके अंदर पानी इधर उधर घूमेगा बट अंदर नहीं जाएगा, टिकेगा नहीं. हाँ जी. प्लस इसके बाद है हमारा, अगर इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ जैसे मांगते हैं 100% मतलब 100% वाटरप्रूफ उनको चाहिए, हम क्या करते हैं इन जिप्स को हम लोग कवर कर देते हैं विद अ फैब्रिक. जैसे हम लोगों ने बैग आपको मैंने दिखाया था, ये वाला हमने बैग बनाया था, हम लोगों ने इनकी जिप्स कवर कर दी है कि कल को बारिश होती भी है कुछ होती है तो उसके कारण वो पूरा ही कवर हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा. हाँ. और प्लस अगर कोई मांगता है वी नीड अ बेसिकली जैसे कहते हैं हमें रेन कवर चाहिए है या बैग का कवर चाहिए, वी कैन अरेंज दैट ऑल्सो. वी आर चार्जिंग एटलीस्ट 60 रुपीज़ फॉर द कवर. हम लोग हर एक बैग का कवर उनको इजिली वो बना के देते हैं विद इलास्टिक, कि कल को उन्होंने बैग के ऊपर भी चढ़ाना है तो उसके प्रोविजन भी कई कई बैग्स के अंदर हम लोगों ने दे रखे हैं. जी जी. सर ये चीज़ अच्छी है सर, जैसे कि आपने बात कर ली इस टाइम बैकपैक्स की, लैपटॉप बैग्स की, सर जैसे कोई ट्रैवल भी करना है जिसको मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो सर ट्रैवलिंग बैग में भी आप डील करते हैं उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? सर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम लोग ट्रैवलिंग बैग की बात करते हैं, हमारे पास हो जाते हैं कैबिन बैग से शुरू. अब कैबिन बैग्स के अंदर क्या होता है, जैसे हो गया छोटा साइज है. हाँ जी. दिस इज बेसिकली कॉल्ड टू बी अ कैबिन बैग. कैबिन बैग जो इजीली मतलब आप एयरपोर्ट्स में जा रहे हैं, 360 डिग्री रोटेट बैग है ये वाला, और इजी टू मूव विद अ पर्सन है, किसी ने जाना तो अपने साथ लेके चल पड़े. हाँ जी. सो दिस इज अ नायलॉन बैग, बेसिकली वाटर प्रूफ प्लस वाटर रेसिस्टेंट. वाटर रेसिस्टेंट बिल्कुल. और प्लस आप इसके अगर स्पेस की बात करेंगे, वी हैव दैट मच स्पेस विद अ नायलॉन लाइनिंग इनसाइड. एंड इसके अंदर एक बेनिफिट हम लोगों ने क्या करा है, मार्केट से आप कहते हैं अब अलग क्यों है, अब जैसे नॉर्मली मार्केट में व्हील्स यूज़ करते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं, हमारे इधर पूरे अलॉय व्हील्स हैं एंड दे आर कॉल्ड टू बी एट व्हीलर्स एंड प्लस इसके ऊपर की जो ट्रॉली है, दिस इज़ बेसिकली स्टेनलेस स्टील. नॉर्मली बहुत कम ब्रांड स्टेनलेस स्टील ट्रॉली लगाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्टिंग और नॉर्मल बैग की कॉस्टिंग 300 रुपीज़ का फर्क आ जाता है, बट इसका बेनिफिट क्या है कि जैसे आपने इसके ऊपर कभी स्लाइड करके कुछ सामान रखते हैं तो इट विल नॉट गेट बेंड. हाँ जी. तो जो बाकी दूसरे बैग्स होते हैं ऑब्वियसली एल्युमिनियम होगा, थोड़ा सा बेंड करने की कंप्लेंट आती है. फिर क्या होता है कि ट्रॉली अंदर जाने में दिक्कत होती है, एल्युमिनियम थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाती है. बिल्कुल. अब बिल्कुल इसके अंदर क्या होगा, व्हेनेवर यू जस्ट वांट टू पुश लाइक दिस, इसको ऑटोमेटिकली वो अंदर चले जाएगा. बिल्कुल. अब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट साइजेस भी आते हैं, इसके अंदर हार्ड भी आते हैं, सॉफ्ट मटेरियल भी आते हैं. जैसे ही आ गया हमारा हार्ड मटेरियल. हाँ जी सर. अब इसको कहेंगे हम हार्ड मटेरियल. अब ये इसी आजकल जो आप कहते हैं फैशनेबल बैग्स मांगते हैं लोग, थोड़ा डिफरेंट थोड़ा डिजाइनर बैग्स, दिस इज कॉल्ड टू बी आर डिजाइनर बैग. प्लस इस बैग के अंदर हम लोगों ने वही नायलॉन लगा रखी है लाइनिंग. इसके दोनों साइड ये बैग का सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये बैग्स टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है.
आप इधर भी सामान रख सकते हैं, आप इधर भी रख सकते हैं, बट इसकी कैपेसिटी एज कम्पेयर विद दिस बैग्स थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये थोड़े एक्सपेंडेबल हो जाते हैं, ये एक्सपेंड नहीं हो पाते। बट ये बैग्स डिजाइनर बैग्स है, जिसको कोई थोड़ा सामान लेके जाना है, वो चाहता है कुछ डिजाइन थोड़ा डिफरेंट मिले हटके, क्योंकि ये तो नॉर्मली उनको मार्केट में कहीं भी मिल जाते हैं, तो उनको लगता है थोड़े हार्ड वाले बैग्स दिखाओ जो नॉर्मली मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, 9,000-10,000 के मिलते हैं, वी आर गिविंग दिस फॉर 2,400 जी। तो अपने आते हैं 2400 में साइज के अंदर से भी मिलते हैं सर? नहीं सर, साइजेस नॉर्मल इसके अंदर आते हैं 20, 24, 28। वी आर गिविंग दिस फॉर 2400 फॉर द कैबिन बैग्स, एंड जैसे अगर आप आ जाते हैं 24 इंचेस पे, वी आर गिविंग दिस फॉर 2800, एंड जैसे आ जाते हैं बिल्कुल बड़े बैग्स को, जैसे दिस कॉल्ड टू बी आर ट्रैवल बैग्स, ट्रैवल बैग्स, हाँ जी, दिस कॉल्ड टू बी फैमिली बैग और द ट्रैवल बैग, जिसके अंदर नॉर्मली कैपेसिटी होती है अराउंड 25-30 kg तक इजिली सामान डल सकता है, एंड वी आर गिविंग दैट फॉर 3400 rupees। तो हम लोगों ने इन सबको सब कुछ चेंज करने के बाद हम लोगों ने साइज के अकॉर्डिंग इनके प्राइसेस रखे हुए हैं, एंड नॉर्मली ये आते हैं पूरे सेट के अंदर 20, 24, 28, एक के अंदर एक बैग होता है। जब हम लोग इसको स्प्लिट करके देखते हैं ऑब्वियसली एक्सपेंसिव बैठता है, जब हम पूरा सेट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली 8500 का सेट बैठता है, जो थोड़ा सा चीप बैठता है एज कम्पेयर विद अ सेपरेट। जैसे बात करते हैं, जैसे नॉर्मली कस्टमर कहते हैं कि फैब्रिक बैग यार बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गया है, कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाई जाए, हम लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफरेंट किया है, ताकि कस्टमर को फैब्रिक के अंदर भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगे चीज़ें। तो हम लोगों ने क्या करा, थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दी साइड पे विद अ डबल कंट्रास्ट कर दिया, हम लोगों ने थोड़े से इसके अंदर फिनिशिंग के लिए क्रोम फिनिशिंग लगा दी, प्लस स्टेनलेस स्टील, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, मैंने हैंडल्स भी लगा रखे हैं, अलॉय व्हील्स हमने लोगों ने लगा दी हैं, ताकि बैग्स थोड़ा सा जैसे पुराने आप लेते थे बैग्स, तो कुछ डिफरेंट लग सके। अब जैसे आप इन बैग्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दिस इज अ डबल कलर बैग, दिस इज ट्विन कलर बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी। हम लोगों ने अब इसको बैग को उठाने के लिए नॉर्मली रेड कलर के बैग्स आते थे, हम लोगों ने इसके अंदर कुछ लाइनिंग दे दी ब्लू कलर की, सो दैट इट विल लुक ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, तो आगे उनको हाँ विद चेंज विद ट्रेंड। तो प्लस अगर हमने एक बैग की बात आपको पहले भी दिखाया था, अब ये बैग है, हम लोगों ने इसको बनाया पूरा ट्विन कलर के अंदर है बैग। हाँ जी, जैसे इसके साइड के रबर्स हम लोगों ने कंट्रास्ट में कर दिया, ऊपर का फैब्रिक कंट्रास्ट में कर दिया, ट्रॉली का हैंडल कंट्रास्ट में कर दिया, थोड़ा कस्टमर को लगे कि हम लोग नई चीज़ ले रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा इनोवेटिव। बिल्कुल सर। और प्लस अब जैसे इन फैब्रिक की बात करते हैं, ये दिस कॉल टू बी, जैसे नॉर्मली कोई अब्रॉड जा रहा है, वो चाहता है कि मैं कोई ऐसा बैग लेकर जाऊँ जिसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, अप टू 30 liters, अप टू 28 kg, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सो दिस इज द बैग। वो क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ पूरा सेट ले जाते हैं, जिसके अंदर वो कैबिन बैग भी यूज़ कर लेते हैं, मिडल वाला बैग भी यूज़ कर लेते हैं, प्लस ये लोग एज अ ट्रैवल बैग भी, फैमिली बैग भी यूज़ कर लेते हैं, तो वी हैव दैट ऑप्शन ऑल्सो। बिल्कुल, मतलब कहा जाता है ऑल ओवर, कहा जाए कि पाउच से लेके कि आपके पास ट्रैवलिंग बैग से सारी कंप्लीट रेंज होती है। बिल्कुल, क्योंकि सर नॉर्मली जब कॉर्पोरेट से लेकर, स्कूल बैग से लेकर, प्लस अपने पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर से लेकर, प्लस किसको अपनी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है कंपनीज की, वी कैन अरेंज दैट फॉर्म। तो सर जैसे कि आपने कहा कस्टमाइजेशन भी पॉसिबल है किसी भी तरीके, इफ इन केस यू गिव अ बल्क ऑर्डर, ऑब्वियसली सर जी। तो मतलब बहुत अच्छा लगा सर, सारी कलेक्शंस आपके पास है, आपने राउंड ऑफ देखा कि पूरी कलेक्शंस। बिल्कुल, और मैं आपको एक ओवरव्यू भी दिखा दूँगा, सारी कलेक्शंस ओवरऑल मिलेगी भैया के पास। और जैसे कि आप शॉप, जैसे कि सर आपने जो इनिशियल स्टेज पे आपसे शॉप के लिए लेना चाहता, तो क्या ऑर्डर्स रहेंगे, क्या क्वांटिटी? सर अराउंड नॉर्मली अगर वो हमारे ब्रांड के अंदर लेते हैं, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट क्योंकि एक्चुअली जब वेन एवर वी वांट टू डू द कस्टमाइजेशन, वी नीड एटलीस्ट मिनिमम क्वांटिटी। अगर वो हमारे ब्रांड से लेना चाहते हैं, वी नीड एटलीस्ट 50 pieces ईच आइटम ईच डिज़ाइन, तो वी डोंट माइंड। अगर जैसे अगर वो चाहते हैं अपनी ब्रांडिंग लगे, अपना लेबल लगे, अपने अकॉर्डिंगली वो कस्टमाइज करें, कलर्स कंट्रास्ट अपने अकॉर्डिंगली हो, तो फिर हम लोग कहते हैं एटलीस्ट 100 pieces चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट क्योंकि उसको थोड़ा अलग करने के लिए वी नीड एटलीस्ट अ लिटिल बिट मिनिमम अमाउंट, मिनिमम एटलीस्ट हमें क्वांटिटी चाहिए, जिसके कारण हम लोग उसको सेपरेट करके अकॉर्डिंग टू उनको कस्टमर से बना कंट्रोल लानी है, छोटा ऑर्डर हो तो वैसे क्योंकि सर एक्चुअली क्योंकि चाहते हैं कि अदरवाइज में 50 pieces के आकर उनको 100 rupees एक्स्ट्रा चार्ज करो, सर देयर इज नो पॉइंट। क्योंकि सर नॉर्मली मार्केट में क्या होते हैं कि नॉर्मल लोग देखते हैं कम क्वांटिटी है, ज़्यादा चार्ज कर लो, बट वी आर नोन फॉर द क्वालिटी, वी आर नोन फॉर द बेस्ट प्राइजेस। सो बार बार कह रहा हूँ, मार्केट में आप घूम कर आइए, पहले एक बार ही कोई मार्केट में धोखा मत खाइए, कस्टमर का पैसा बहुत ज़्यादा कीमती है, सो उस हिसाब से आप पहले मार्केट में आइए। एक बार ऐसा होता है कि सर वीडियो में दिखाओ बैग, सोचा कि यार 200 rupees का मिलता है, भैया 500 का बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप नहीं जज कर पाते। बिल्कुल, सबसे पहले प्रायोरिटी मैं कहता ना चाहता हूँ कि क्वालिटी देखें। बिल्कुल, कि स्टिचिंग क्या है, फैब्रिक कौन सा है, साइज क्या है, मतलब एक बहुत सारी चीज़ मैटर करती है। क्योंकि सर नॉर्मली लोग अभी आप वीडियो में दिखा रहे होंगे, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास 100 rupees से बैग भी शुरू होते हैं, कोई कहते हैं हमारे पास 200 से बैग शुरू होते हैं। सर एक बार जाके क्वालिटी जरूर देखिए बिफोर गिविंग देम एनी एडवांस और बिफोर गिविंग देम एनी मनी। क्योंकि सर आपका पैसा बहुत कीमती है, कल को आपको बाद में निराशा ना हो कि मेरे को मैंने क्या ऑर्डर किया था, मुझे क्या मिला और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था चीज़ों से। तो ये बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल सर, क्वालिटी मैटर करती है। बिल्कुल सर, तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियोज और क्वालिटी, मतलब देखेगी जो आपके अप टू द मार्क है, मैंने फील किया जितना, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार जरूर आके यहाँ पे देखें, परचेज करें, तो बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपसे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच।